अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे, और मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। तो सीन ये है कि आज मैंने सोचा है कि दो तरह के कुल्फे बनाऊंगी। एक कुल्फ़ा जो है लजीज़ा का बनाऊंगी, और एक कुल्फ़ा वो बनाऊंगी जो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो इन दोनों में फ़र्क देखेंगे टेस्ट किसका ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये लजीज़ा का कुल्फ़ा। ये मैंने एक दिन लजीज़ा का कुल्फ़ा बनाया था, फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने दूसरा जो घर में बनाती हूँ बच्चों के लिए वो बनाया था। तो चीज़ें क्या चाहिए? 2-3 चम्मच जो है मुझे मक्खन चाहिए है, 2 स्लाइस चाहिए डबल रोटी के, लजीज़ा कुल्फ़ा चाहिए, मोल चाहिए, और 1 किलो दूध चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दूध को हमने बॉयल देना है। बॉयल देने के दौरान ही हम इसमें 3 चम्मच मक्खन डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको चम्मच से चलाएंगे, और इसको हमने पकाना है 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ताकि ये दूध ज़रा गाढ़ा हो जाए। अब इसको इतना पकाना है, जब ये 15 मिनट पक जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने इसके अंदर डालना है लजीज़ा का वो मिक्सचर, ठीक है जी। ये देखें इतना पीला पीला सा हो रहा है, ये असल में मक्खन की वजह से हो रहा है, और इसमें गाढ़ापन आएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है लजीज़ा का सारा मिक्सचर, इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे मैंने और पकाना है, 15 मिनट और पकाऊंगी। पहले भी मैंने जो इसको पकाया था तो वो दरमियानी आंच पे पकाया था, और अब फिर मैं पका रही हूँ इसे दरमियानी आंच पर, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा हल्का, और साथ साथ चलाते जाएं चम्मच, क्योंकि ये नीचे ना लगे। तो ये है 10 से 15 मिनट तक ये पक चुकी है। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूंगी। रूम टेम्परेचर इसका चाहिए कि इतना ठंडा हो, फ्रिज में नहीं रखना, हल्का ठंडा हो जाए। तो फिर इसके अंदर मैंने डाला है 2 डबल रोटी के स्लाइसेस डाल दिए हैं, अभी देखें डालूंगी, सॉरी, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसको जो है ना हमने क्या करना है कि ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, लेकिन ये नहीं कि आपने ग्राइंड चला दिया तो बस ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड ऐसे करना है कि जैसे डिंग डोंग बेल बजाते हैं ना, बस उस तरह बटन दबाया और हटाया। सेकंड, ये देखें मिक्सचर हो गया है। अब मैं इस मोल्ड में डालूंगी सबको। इस मोल्ड के ना फ़ायदा बहुत है, आप जिन बच्चों के घरों में ना ये होना बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि बच्चों को एक एक्टिविटी मिल जाती है। जब मेरे बच्चे होते हैं ना, उनको तो एक एक्टिविटी मिल रही होती है, उन्होंने जामेश्री बनाया, रूह अफ़ज़ा बनाया इसके अंदर, और फिर कह दिया हमने आइसक्रीम बनाई है, लें सब खाएँ। हाँ, फिर शिकंजी बीन बना दिया, नींबू पानी, ये उन्होंने कहा कि ये हमने आइसक्रीम दूसरी फ्लेवर की बना दी है। मैंगो शेक बनाया, तो मैंगो शेक को भी उन्होंने इसी तरह इसमें डालकर आइसक्रीम बना लिया। मतलब वो एक उनके लिए खेल भी, और उनका ये भी है कि हमने आइसक्रीम घर में बनाई, और इस तरह बच्चे जो है ना बाहर की आइसक्रीम कम ही खाएंगे। चलें खाते तो है, ऐसा तो कुछ नहीं कि बच्चों को रोक सकते नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी ना एक्टिविटी मिल जाती है बच्चों को कि वो घर में अपने लिए आइसक्रीम बना रहे होते हैं। और जब आइसक्रीम बनती तो बार बार फ्रीज़र खुल रहा होता है कि जमी है कि नहीं जमी है। ये हमारे साथ भी था, जब हम बच्चे होते थे तो हम भी ना कोई चीज़ जब बनाते थे कोई नई चीज़, तो उसको बार बार खोल खोल कर देखते थे फ्रिज में कि अच्छा ये जेली जम गई है, या आइसक्रीम बनाई थी हमने वो बन गई है कि नहीं। ये सब का यही हाल है। अच्छा, ये मैंने 3 जो थे ना, 5 ये हो गए, 2 ये दूसरे हो गए कुल्फे के सांचे, और 2 मैंने प्लास्टिक के गिलास में कर दिए थे, क्योंकि ये इतना था, मतलब 10 आपके ना कुल्फियाँ बन जाएंगी आसानी से। तो इसको आप फ्रीज़र में रख दें, जब ये जम जाएगा तो आप इसे सर्व करें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये जम जाएगा। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगी वो घर वाली बताऊँगी कि वो किस तरह मैंने बनाई थी। ये देखें ये जम गई है, अब मैं इसे पानी से गुजारती हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि कैसी निकली। ये देखें बहुत मज़े की थी। तो इसे भी ट्राई करें, और अब जो है हम दूसरी कुल्फ़ी बनाने की तरफ चलते हैं।
ये मैंने ले लिया है दो नहीं एक मग दूध ले लिया था, आप अपने हस्बैंड ज़रूरत जितनी आपने कुल्फ़ी बनानी है आप ले लें, मैंने इसे पकाना नहीं है। चीनी ले लिया, कंडेंस मिल्क ले लिया और जो है ये ले लिया है बादाम और पिस्ता और डबल रोटी दो पीसेस ले लिए हैं। चीनी लेते हैं लें नहीं लेते ना लें उसकी जगह कंडेंस मिल्क ले लें, और अगर कंडेंस मिल्क नहीं लेते तो चीनी सिर्फ ले लें, दोनों लेते हैं तो दोनों ले लें, ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ दूध को बॉयल किया है, उसमें ये पिस्ता बादाम डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने इसमें ये डबल रोटी डाल दी। अगर आपको लगे कि गाढ़ापन इसका कम है तो आप दूसरी डबल रोटी फिर एक और भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब मैंने इसमें डाल दिए है कंडेंस मिल्क के 3 चम्मच, मैंने चीनी नहीं डाली। अगर मैं चीनी डालना चाहूँ तो मैं इसमें तब डालूँगी जब मैं दूध बॉयल हो रहा हो, और आप टेस्ट कर लें आपको कितना मीठा चाहिए। ठीक है, पैकेट्स में ये होता है कि आप उनको हिसाब पता होता है कि इतना पैकेट है इतना लीटर है, वो बस रेडीमेड बन गया। अब आप इसमें टेस्ट कर लेंगे आपको कितना चाहिए मीठा उतना डालें। ये मैं केवड़ा डाल रही हूँ, केवड़ा ना हो अरके गुलाब डाल दें, अरके गुलाब है तो कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है, इस तरह आप खा लें। तो ये अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स नहीं हो अगर ये सही से मैश नहीं होता तो आप बीटर से कर लें, बीटर से नहीं होता तो आप डिंग डोंग बस, इससे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बटन दबाया डिंग डोंग बस, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ठंडा हो गया, मैं इसको ज़रा कर रही थी कि हो जाए, नहीं हुआ था तो फिर मैंने इसे ग्राइंड किया था। ये ग्राइंड कर लिया है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 सेकेंड, बटन दबाया और हटाया। और ये देखें इसको मैं डाल रही हूँ, ये अच्छा मैंने ये जो बनाया है ना इसमें मुझे आखिर में मुझसे ये हो गया था गलती कि मैंने ना इसको काफ़ी देर निकाल के ना रख काफ़ी देर रख दिया था कि आसानी से निकल आए कुल्फ़ी, तो वो ज़रा ज़्यादा बह गई थी, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और कौन सी आसान है और आपके बच्चों को कौन सी ज़्यादा पसंद आई है। तो शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक है जी। ये हो गई है सारी, अब मैं इसे फ्रीज़ करूँगी और जब ये जम जाएगी तो मैं इसे बच्चों के साथ सर्व करूँगी। ये देखें मैंने ना ये गलती कर दी कि मैंने इसे देर तक निकाल के रख लिया था तो ये पिघलने लग गई थी, बस आप ज़्यादा देर ना निकाल के रखें या पानी में बस डालें और निकाल के खा लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।